लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। एटा में पुलिस और स्वाट टीम ने छापामारी कार्यवाही करते हुए काली नदी के समीप जंगलों में चल रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर अवैध शस्त्रों का जखीरा भी किया बरामद। पुलिस ने एक पिस्टल के साथ साथ भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण, 2 राइफल, 16 तमंचे भी बरामद किए। पुलिस ने एक असला तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि थाना जैतरा पुलिस को मिली सूचना के बाद पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए कस्बा धूमरी के पास काली नदी के समीप जंगलों में गुपचुप तरीके से चल रही अवैध रूप से असला फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस और स्वाट टीम ने छापामारी कार्यवाही करते हुए असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। मौके से भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ साथ 2 राइफल, 14 बने, 2 अधबने तमंचे व 1 पिस्टल भी बरामद किया है। संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद हुई है। उसमें एक अभियुक्त भी मौके से शस्त्र बनाते हुए पकड़ा गया है। इसमें 2 राइफल बनी हुई है, 1 पिस्टल है, 14 और असले हैं जो बने हैं, जिसमें से 2 अधबने हैं, और फैक्ट्री का शस्त्र फैक्ट्री बनाने का पूरा सामान है। उसके बरामदगी पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से इस सफलता पाने वाली टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। सर, ये जो इतनी बड़ी जो खेप पकड़ी गई है असलों की, क्या ये जो चुनाव आ रहा है उसके लिए किया जा रहा है? कई दिन से पुलिस की इस पे सूचना चल रही थी और इसमें सर्विलांस चल रहा था, और निश्चित रूप से ये अवैध अराजक तत्व द्वारा इसका दुष्प्रयोग किए जाने की संभावना बनी रहती है। इसी के मद्देनज़र पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और अवैध तमंचों की बरामदगी और अवैध शस्त्र की बरामदगी का प्रयास हमारे तरफ जारी है। इसी के कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आगे आने वाले दिनों में जो भी इस तरह कार्रवाई में लिप्त है, उन सभी विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित है। क्या इनका प्रयोग चुनाव में किया जा सकता था? पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनको ऐसा किसी चुनावी व्यक्ति द्वारा इनसे संपर्क नहीं किया गया, लेकिन अराजक तत्व तो जो अगल बगल के जनपद के हैं वो इनसे ले जाते हैं और इनकी सप्लाई मांग के आधार पे होती है। जो भी इनसे संपर्क करते हैं उनको ये देते हैं। सर, इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ होती है, किन किन प्रदेशों में? कोई निश्चित नहीं है, बाहर के प्रदेश का इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बताया कि आसपास के जनपदों में कुछ लोग हैं जो इनसे परचेस करके ले जाते हैं।